Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video, we are going to do the remaining part of our chapter number 2, which is understanding the secularism. Class, so we'll be continuing with our second chapter only, understanding the secularism. कल मैंने आपको बताया था जब भी आप वर्ड सेक्युलर सुनोगे या सेक्युलरिज्म सुनोगे इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजन राइट सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म लेट्स सी व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म भाई सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं जब वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो उसकी मीनिंग क्या रहेगी राइट सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडिया शुड बी अ सेक्युलर स्टेट जो इंडियन स्टेट है वो क्या रहेगी सेक्युलर स्टेट पे हमारे जो देश है वो एक सेक्युलर स्टेट रहेगा क्या मीनिंग होती है सेक्युलर का नो ऑफिशियल रिलीजन राइट आई होप यू रिमेम्बर कि सेक्युलर स्टेट मतलब एक ऐसा देश जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट आर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान उनका ऑफिशियल रिलीजन क्या है इस्लाम ऐसे ही मैं वेस्टर्न कंट्रीज में बात करूं उनका ऑफिशियल रिलीजन क्या है क्रिश्चियनिटी ओके जब हम इंडिया की बात करते हैं इंडिया का क्या है ऑफिशियल रिलीजन वी हैव नो ऑफिशियल रिलीजन डिफरेंट रिलीजन पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड स्टेइंग इन आवर कंट्री राइट देयरफॉर आवर कंट्री आवर इंडियन स्टेट इज अ सेक्युलर स्टेट स्टेट हियर मीन्स द नेशन ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव है जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अदर कल हमने क्या बात की थी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की सेम है कि जो मेजॉरिटी में है ओके जिन लोगों की ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटीज के ऊपर जो कम पॉपुलेशन में है उनके ऊपर डोमिनेट ना करे ओके ताकि सब लोग इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके नंबर वन यही ऑब्जेक्टिव है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट ओवर द अदर अगर मैं बोलूं इंडिया के अंदर हिंदुइज्म क्या है मेजॉरिटी रिलीजन है मेजर जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म फॉलो करती है लेकिन हमारे देश में क्या है कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो मुस्लिम्स हैं कुछ ऐसे जो जैन हैं कुछ ऐसे जो बुद्धिस्ट हैं कुछ ऐसे हैं जो सिखिज्म फॉलो करते हैं राइट तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हर चीज़ हिंदुओं के हिसाब से होगी या हिंदू जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर रूल करेगा ऐसा तो नहीं है ना ऑल आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं राइट तो नंबर वन पॉइंट यही है ताकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे आई होप यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड हियर इज सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन दूसरी बात यह है अगर ये एक मेजॉरिटी रिलीजन है ओके हम मैं आप सब मेंबर हैं इस रिलीजन के अगर मैं इस रिलीजन की हेड हूँ ओके और आप सब मेरे रिलीजन के मेंबर्स हो आप सब भी मेरा रिलीजन फॉलो करते हो अगर मैं बोलूँ कि सबको जैसे मैं बोलती हूँ वही करना है जो मैं बोलती हूँ वही ट्रुथ है तुम उसी को फॉलो करोगे मैं आपको डोमिनेट करती हूँ क्यों बिकॉज आई एम द हेड ओके ताकि कोई मेंबर आपस में इंडिविजुअल भी किसी इंडिविजुअल के ऊपर हावी ना हो जाए कोई मेंबर अदर मेंबर्स को डोमिनेट ना करें इसलिए हमारे ये क्या है हमारे सेपरेशन किया हुआ है रिलीजन और स्टेट का आगे बात समझ में उसके बाद लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट डू नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जो हमारा नेशन है जो हमारी सरकार है हमारा देश क्या ये बोलता है सिर्फ जो हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं वही इस देश में रहेंगे या हम बोलते हैं कि तुम कोई और रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऐसे हमारी सरकार बोलती है नहीं आंसर क्या है इसका रीजन क्या है बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड द रिलीजन इज टोटली डिफरेंट इट हैज बीन सेपरेटेड राइट तो कभी भी स्टेट देश फोर्स नहीं कर सकता सिटीजन्स को एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने के लिए रिलीजन को फॉलो करने के लिए ना ही वो इन्फोर्स करेगा लागू भी नहीं करेगा और कोई अगर फॉलो कर रहा है किसी और रिलीजन को उससे वो राइट भी नहीं छीनेगा नॉर इट विल टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ये आपकी इंडिविजुअल की चॉइस है आपको अगर हिंदुइज्म फॉलो करना है हिंदुइज्म करो क्रिश्चियनिटी करनी है क्रिश्चियनिटी करो
इस्लाम फॉलो करना है इस्लाम करो, दैट्स टोटली वंस चॉइस। कोई भी सरकार या कोई भी आपको इंडिविजुअल फोर्स नहीं कर सकता किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। अगर आपका मन नहीं है कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करना, यू कैन डू दैट ऑल्सो, आप किसी को भी मत फॉलो करो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म। आई होप ऑल द 3 points आर क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू वन्स माइंड इज, हाउ डज इंडियन स्टेट मेक श्योर ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड, राइट? या इंडियन स्टेट हाउ डज इट वर्क इन द डायरेक्शन सो दैट कि आपकी ये जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो। ओके, कैसे काम करते हैं इंडियन स्टेट? नंबर वन इज यूजेज द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। इसी को तो, ये तो डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की, व्हेन देयर सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दैट ऑफ द स्टेट। ओके, तो पहले क्या है कि खुद एक स्ट्रैटेजी फॉलो करती है कि हम किसी भी रिलीजन के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सपोज दिस इज आर स्टेट और द नेशन एंड दिस आर द रिलीजन दैट वी हैव इन आर कंट्री, तो बोथ आर द सेपरेट कॉन्सेप्ट, एक दूसरे के उसमें काम में दखल अंदाजी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। लाइक दैट वी आर फॉलोइंग नाउ डेज विद द पीपल इन दिस कोरोना टाइम। आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग गाइज, राइट? सेम ऐसे ही डिस्टेंसिंग कौन फॉलो करता है? स्टेट एंड द रिलीजन। आई बात समझ में? उसके बाद इंडियन स्टेट डू नॉट रूल बाय द रिलीजियस ग्रुप नॉर इट सपोर्ट्स एनी रिलीजन। ये बोल रहा है इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय, ना तो कोई रिलीजन का ग्रुप आके इस हमारी देश को चलाता है, ना ही ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है। तभी तो डिफरेंट रिलीजन के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। एंड हमारे नेशन का मोटो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भाई हम एकता दर्शाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज नोन टू द वर्ल्ड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए कि कोई भी एक रिलीजन ग्रुप डोमिनेट नहीं करता है, सरकार रूल नहीं करती है किसी भी रिलीजन ग्रुप से, या वो किसी रिलीजन को सपोर्ट करती हो। ओके, एंड लास्टली गवर्नमेंट स्पेस मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, बिल्डिंग है, पुलिस स्टेशन है, स्कूल्स हैं, इवन आ कोर्ट। ओके, वहाँ कहीं भी द गवर्नमेंट स्पेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी सरकारी जगह पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की कुछ नहीं मिलेगा कि हम इस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, कभी भी कुछ हो रहा होगा या कोई भी आपकी सरकारी जगह है, वहाँ किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की आपको चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल में कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, तो इट इज़ टोटली द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपको पार्टिसिपेट करना करो, अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते, नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते उस प्रोसीडिंग में, यू कैन सिंपली से नो, राइट? सो टिल द एज ऑफ 18 इट्स योर पेरेंट्स कंसेंट विच मैटर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, एंड आफ्टर 18 इट्स टोटली वन्स चॉइस। ओके, सो बेसिकली इन योर एनसीईआरटी बुक देयर आर टू स्टोरी केसेस दैट विल रीड आउट एंड अंडरस्टैंड एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ इंडियन स्टेट ensure its objective in both the cases. Okay, so the number one case or the number one story is about a government high school. Okay, so some of the students get together and decided to celebrate a religious festival in their school. All of them go to the school principal and ask that, sir, can we celebrate a religious festival here in our school? Okay, what did the principal reply? He replied, no children, it's not possible. Why? Because it's a government school. ये एक सरकारी स्कूल है, यहाँ हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर सकते। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते तो वहाँ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स किया था कि गवर्नमेंट जो प्लेसेस होती हैं लाइक गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेस, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, कहीं भी किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई भी रिलीजन रिलेटेड चीज आपको इन प्लेसेस पे नहीं दिखाई देगी, राइट? सिमिलरली हैपेंड हियर। आई होप यू गॉट द ऑब्जेक्टिव, हाउ आर इंडियन स्टेट फुलफिल ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट? सो द व्हाट डिड यू गेट टू नो फ्रॉम द स्टोरी दैट द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल
इज वॉयलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर हम कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल किसी भी सरकारी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में हम सेलिब्रेट करते हैं, इट मीन्स वी आर वॉयलेटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी? पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन इक्वल। भाई हमें सारे रिलीजन इक्वल है, हम किसी को भी कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम फेवर नहीं करते हैं, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इन प्राइवेट स्कूल। ऐसे वाला ये जो कानून है, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल डज नॉट अप्लाई इन प्राइवेट स्कूल। हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, ये सिर्फ हमारे पब्लिक प्लेसेस पे हो सकता है, नॉट इन द केस ऑफ प्राइवेट। ओके, देन वी हैव द अनदर स्टोरी केस हियर ऑफ टू फ्रेंड्स। वन इज राम एंड अदर इज परमजीत। ओके, राम इज अ हिंदू बॉय, परमजीत इज अ सिख। ओके, सो दे बोथ बाय अ न्यू स्कूटर। ओके, एंड व्हाइल राइडिंग द स्कूटर, राम सेज टू परमजीत, परम वेयर इज योर हेलमेट? ओके, what did Param reply here? Param says, Ram, don't you worry, I will not be fined. मुझे कोई fine नहीं लगेगा अगर मैंने अपना helmet नहीं पहने scooter पे। Ram got astonished and he asked Param, why is it the reason? कि हमारे लिए ये rule है और आपके लिए rule नहीं है। Then Paramjit replies, because I am a Sikh and in our religion, wearing a turban or a pagdi is a part of our religion. And the state, the Indian state, do not interfere in this religious matter. Okay, समझ में आया कि जो सरदार है, जो सिख है, वो लोग पग पहनते हैं, तो पग पहनने के ऊपर हेलमेट तो डल नहीं सकता है। ओके, सो और पग पहनना उनके रिलीजन में बहुत ज़रूरी है, राइट? तो सरकार इस चीज़ को रिस्पेक्ट करती है कि अगर आपको पग डालना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ वॉट योर रिलीजन सेज। ओके, सो वी विल नॉट बी इंटरफेयरिंग इन योर रिलीजियस मैटर। ओके, हम आपकी कोई भी रिलीजन मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देयरफॉर व्हाट इज द अनदर थिंग दैट यू गेट टू नो फ्रॉम द स्टोरी, दैट द इंडियन स्टेट रिकग्नाइज पगड़ी विच इज द टर्बन इज द सेंट्रल टू द सिक्स रिलीजन प्रैक्टिस एंड डू नॉट इंटरफेयर, देयरफॉर इट्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ। लॉ क्या है? अगर आप टू व्हीलर चलाते हो, आपको हेलमेट डालना जरूरी है, लेकिन क्योंकि सिक्स को अपनी टर्बन भी डालनी जरूरी है, इट इज द सेंट्रल टू देयर रिलीजन, देयरफॉर सरकार क्या बोलती है, ओके, हम आपके रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं इंटरफेयर करेंगे, यू वेयर योर टर्बन इंस्टेड ऑफ द हेलमेट। ओके, एक तरह की प्रोटेक्शन ही देगी टर्बन भी आप लोग को, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करती है, और इस चीज को एज एन एक्सेप्शन टू लॉ रखा हुआ है कि सारे कानून सबके लिए एप्लीकेबल है, बट इफ यू आर अ सिख एंड यू आर वेयरिंग अ टर्बन तो आप हेलमेट अवॉइड कर सकते हो। आई होप यू गॉट द टू पॉइंट्स फ्रॉम द अबव टू स्टोरीज। डिस्कसिंग मोर अबाउट आर इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म की एक और खास बात है, स्टेट अपने आप को रिलीजियस मैटर से दूर रखती है, सेपरेट रखती है, पर कोई इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। हाउ? क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है, सो आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट कैन इंटरवीन कर सकती है इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है ड्यू टू सम ऑफ द फैक्टर्स। ओके, लाइक बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी कि जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास को बहुत ही अनटचेबल की तरह ट्रीट करते थे, दैट वी हैव स्टडीड इन आवर हिस्ट्री चैप्टर, राइट? तो उनसे बहुत ही ऐसे छूना भी पसंद नहीं करते, बहुत ही गंदा ट्रीट करते थे, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरीबॉडी इज इक्वल, everybody has the equal rights, right? No matter if he or she belongs to the upper class or the lower class, right? Therefore Indian constitution says it and it has also banned the practice of untouchability. tab zarurat padi to state ne intervene kiya, theek hai na? वैसे तो अलग है दोनों के काम, लेकिन खासियत यही है कि तब जरूरत पड़ती है तो हमारी स्टेट क्या इंटरवीन भी कर सकती है। जैसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो किसी इंडिविजुअल की राइट्स को हर्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करते हैं, तो उस टाइम स्टेट कैन कम एंड इंटरवीन, बीच में आके डिसीजन ले सकती है, जैसे उन्होंने किया अनटचेबिलिटी के केस में। ओके, एंड सेकेंड थिंग हियर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस।
when you will be studying the constitution in your higher classes, you will be reading that Indian constitution ke andar jo hamari fundamental rights hai, right, jo humne kiya tha, to uske andar ek aapko yaad ho right to minorities and the cultural right karke bhi ek fundamental right thi, right, us right ke andar इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है अगर वो खुद का स्कूल बनाना चाहे या कॉलेज बनाना चाहे तो वो चला सकते हैं. दिस इज हाउ आर इंडियन सेक्युलरिज्म इज आइडियल, बहुत ही आइडियल है. जब जरूरत पड़ती है तब इंटरवीन करता है, अदरवाइज अपने आप को अलग किया हुआ है, कोई भी रिलीजियस मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करता. आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स, ओके, बिकॉज दिस पॉइंट्स मेक आर इंडियन सेक्युलरिज्म एन आइडियल सेक्युलरिज्म. सबसे अलग है हमारा सेक्युलरिज्म, ओके, क्यों? बिकॉज वी रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली गुड, राइट. नाउ लेट्स सी हाउ आवर इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके. अब कंपेयर करेंगे हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म को टू दैट ऑफ द यूएस, ओके. जब मैं इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करती हूँ तो क्या है, नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट. रिलीजन और स्टेट इज सेपरेटेड बट देर इज नो स्ट्रिक्ट, जैसे हमने पढ़ा अभी, अगर जरूरत पड़ी स्टेट कैन इंटरवीन. अगर कोई सिचुएशन ऐसे अराइज हो जाती है और स्टेट को इंटरवीन करना पड़े तो स्टेट हैज द राइट टू मेक द population or the people living in our country comfortable, okay. So no strict, as such कोई strict rule नहीं है कि कुछ भी हो जाए state नहीं interfere करेगी, state कर सकती है. Like we have seen in the case of untouchability, the triple talaq case, okay, very recent case, जहाँ जो Muslim जो people follow करते हैं triple talaq वाली जो practice कर रहे थे उसको unconstitutional और void declare कर दिया था. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि विमेन के साथ इनजस्टिस है ये, राइट. तो तब जरूरत पड़ती है स्टेट कैन इंटरवीन. देयरफॉर हमने बोला है नो स्ट्रिक्ट, एज सच कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बट देयर इज सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बट जरूरत पड़ने पर इंटरवीन कर सकते हैं. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ can intervene in religious affair like example of untouchability and triple talaq. Strategy of non-interference is also followed. और हम साथ साथ क्या follow करते हैं कि religious matter में interfere नहीं करेंगे. हमने अपने देश का कोई एक official religion declare नहीं किया है, इसी वजह से because we are a secular country. I hope you have understood Indian secularism क्यों इतना important है, different है और एक ideal secularism का case है. Therefore, Indian secularism is a case of ideal secularism. बहुत ही ideal है, appropriate है. Okay, now let's discuss the case of secularism in US. US के अंदर कैसे है? US में first amendment आया, first change जो लेके आए वो, उन्होंने बोला strict separation between the state and religion. कुछ भी हो जाए, जो government है, जो state है, country है, वो religious practice में interfere नहीं करेगा. स्ट्रिक्टली सेपरेशन है. एंड इन फैक्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस विच इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम यूएस, ओके. सो फ्रांस में उन्होंने बैन कर दिया था स्टूडेंट्स को वेयरिंग अ रिलीजियस सिंबल और पॉलिटिकल साइन. भैया कोई रिलीजियस सिंबल या पॉलिटिकल साइन, ऐसे कोई भी कपड़े या कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं पहन सकते जो डिज़ाइन किया गया है पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए या पॉलिटिकल साइन के लिए, ओके. हमारे इंडिया में फ्रीडम है, कोई भी पहन सकता है. कितने लोग हैं जो कुर्ती पहनते हैं जिसके ऊपर ओम 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 लिखा हुआ है? दिस इज व्हाई आवर इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. एंड गाइस दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलरिज्म. आफ्टर सीइंग दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू योर चैप्टर, रीड ईच लाइन. इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू नॉट हेजिटेट टू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल क्लियर all your doubts, okay. And before I end this video, it's time for tone up your brain. Guys, number one question for you is write down the objectives of Indian secularism, and second here is why Indian secularism is a case of ideal secularism. You guys need to comment down both the answers in the comment section along with your name. And also guys, remember, write the answer in your own words, what you have gained from this video.
Okay? Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also guys, if you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh.